हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मर्कुरी लैबोरेटरीज शेयर के बारे में। तो मैंने इसका वेबसाइट ओपन करके रखा है और मैं आज इस पे इसलिए वीडियो लाया हूँ ताकि क्योंकि मैंने इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग की है, तो लगभग ये 24% तक मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। और कैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसका शेयर कैसा है, मेरी एंट्री कहाँ थी और ये आगे और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बात करूँगा। और शेयर कैसा है, अभी कैसा नज़र आ रहा है, फ्यूचर इसका कैसा है, ये सारी चीज़ें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन में बताऊँगा, जेन्युइन टारगेट्स बताऊँगा, सारी सही इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ें फेक टारगेट फेक चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, ये कंपनी के बारे में पहले वेबसाइट बता देता हूँ। और वेबसाइट जानना इसलिए ज़रूरी है कंपनी का क्योंकि कंपनी करती क्या है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी उसी के ऊपर डिपेंड होती है कि वो आगे कितना चल सकती है, उसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, वो माल कहाँ तक बेचती है इसका, तो वो सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो लाता हूँ ताकि आपको कंपनी के बारे में प्रॉपरली पता चले, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो स्टडी में कोई कमी नहीं करता, तो स्टडी कर लो, इन्फॉर्मेशन सही लगेगी, इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी। क्योंकि आप खुद जाके ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं कर पाओगे और ना ही आप करते हो किसी भी शेयर के बारे में, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लाता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाए, ठीक है, और अच्छे अच्छे शेयर आपको पता चले। तो चलो यहाँ पे मर्क्यूरी के बारे में जान लेते हैं। ये मर्क्यूरी हेल्थ केयर सिंस 1962 से है और ये फार्मास्यूटिकल्स में आती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं और यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी बताई हुई है। और तो ये प्रेग्नेंट लेडी के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैप्सूल, ग्रैन्यूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है और ये इनके कुछ टैबलेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। बट सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट बनाती है ऐसा नहीं है कंपनी का, तो कंपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी प्रोडक्ट बनाती है। तो एक्सपोर्ट करती है तो कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है ये भी हम देखेंगे। तो देखो, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल फॉर्मुलेशन भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर्मुलेशन है, एंटी मलेरिया की है, डाइजेस्टिव फॉर्मुलेशन है, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें, हाइपोग्लाइसीमिक है, और यहाँ पे CNS फॉर्मुलेशन है, पेन मैनेजमेंट है, गायनेक फॉर्मुलेशन है। तो इतने टाइप के इनके प्रोडक्ट है, इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट्स है, CVS फॉर्मुलेशन है, कफ एंड कोल्ड के फॉर्मुलेशन है इनके पास, और मिसलिनियस कुछ है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ ओपन करने के बाद, हर एक प्रोडक्ट का अपन ओपन करने के बाद वो प्रोडक्ट दिखाई देंगे आपको, तो उनके प्रोडक्ट के नाम दिखाई देंगे। तो इतने सारे इनके ये प्रोडक्ट है, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें, एंटी फंगल, ये सारी एंटीवायरल, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के है प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट के नाम है। और यहाँ पर कुछ और भी है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर्मुलेशंस है, तो वो कौन से है तो ये भी देख लो। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। और यहाँ पे एंटी मलेरिया की भी चीज़ें है, यहाँ पे ये भी देख लो। तो जो भी है सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगी। आपके पास टाइम होगा तो पूरा पढ़ लेना, लेकिन आपको जस्ट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज बता के रख रहा हूँ कि ये कंपनी के पास सिर्फ थोड़े ही प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये डाइजेस्टिव फॉर्मुलेशंस के भी देख लो। तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के पास बिजनेस कितना है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, प्रोडक्ट रेंज अच्छी है। तो ये देखो, ये हाइपोग्लाइसीमिक प्रोडक्ट है। तो इतने सारे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे कुछ गायनिक प्रोडक्ट्स है जो लेडीज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए यूज़ होते हैं, कफ एंड कोल्ड के हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे जस्ट है ना, आपको प्रोडक्ट के नाम बता रहे हैं और इमेजेस तो बाहर दिखाई दिए, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, ठीक है। तो और ये मैं यहाँ पे देखो शेयर का प्राइस भी बता रहा है यहाँ पे कि आज का जो प्राइस है, तो वो भी यहाँ पे
शो किया जा रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में मैं अगर आता हूँ अभी और नीचे जाता हूँ ये प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे आपको और प्रेजेंस करके बताया कि वो लगभग मोर देन 25 कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली ये करते हैं, ठीक है। रेप्यूटेड प्रेजेंस है इनका डायरेक्टली मोर देन 25% कंट्रीज़ के अंदर, वाइल मोर देन 15 कंट्रीज़ के अंदर वो इनडायरेक्टली है। और मेजर प्रेजेंस इज एज फॉलो, तो नीचे देख लो कि कौन से कंट्रीज़ है। तो साउथ ईस्ट एशिया में भी ये कंट्रीज़ है, देखो साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर फिलीपींस में है, म्यांमार में है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया, तो अफ्रीका के अंदर डियर कांगो, कैंगो, घना, नाइजेरिया और ये सारे कितने सारे कंट्रीज़ के नाम है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी है। लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आती है उसमें बताया है, अदर में यूके, यूएसए इसके बारे में बताया, तो कौन से कंट्रीज़ है तो यहाँ पे पूरा दिखाया, प्लस यहाँ पे मैप के थ्रू भी बताया ये हमारा इंडिया है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ पर इनका प्रेजेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस बताया है और यहाँ पे ये एक्सपोर्ट होता है माल इतना सारा, तो अच्छा है ये अपने लिए कि किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है, अच्छा खासा इनका कस्टमर बेस है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो इंडिया में खाली यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के इमेजेस भी अवेलेबल है कौन से प्रोडक्ट है, तो ये गायनिक के है। और यहाँ पे डोमेस्टिक दूसरा प्रोडक्ट है तो ये देख लो पेडियाट्रिक, ठीक है। तो इसके अंदर जिंक सप्लीमेंट है, विटामिन K1 है, ये सारी चीज़ें है, एंटी एलर्जिक जो भी है, विटामिन D3 जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे सारी चीज़ें हैं इन्होंने बताया है, डाइजेस्टिव कौन से है, तो प्रोडक्ट की इमेज के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। चाइल्ड केयर के अंदर चाइल्ड के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो सब यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और भी ये फिजिशियन है, सर्जन है, तो ये भी इनके प्रोडक्ट के नाम है और प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जस्ट देखो, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट्स है जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए ये शेयर्स बताता नहीं हूँ, इसलिए आपको क्या एक दिन के लिए लेना है, क्या इतना स्टडी करना है, ऐसा नहीं होता है। कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं तो उस बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको लगे तो लॉन्ग टर्म में रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर्स कैसा है ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंपनी के बारे में इसीलिए मैं बताता हूँ। तो ये फिजिशियन से कुछ डाइजेस्टिव से एंटी एलर्जिक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी है और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया है। अभी कंपनी का हम शेयर देखेंगे। यहाँ पे मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है और इसका BSE का जो प्राइस चल रहा है देखो 741 का अभी चल रहा है और 7.5% ये बता रहा है, बट ऑलरेडी ये आज के दिन में बहुत अप गया था, 15-16% तक भी ये ऊपर था, ये अच्छा खासा इसने 813 तक जाके ये नीचे आया है। और आपको बता दूँ इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि ये शेयर रिकमेंडेशन में मैंने यहाँ पे स्टॉक टॉक में नहीं लाया था। इसके पीछे एक ही वजह है कि ऑलरेडी कोई शेयर मेरा प्रॉफिट में चल रहा है तो उसको स्टॉक टॉक में नहीं लेके आता, चाहे 1% 2% 3% 4-5% भी वो प्रॉफिट में चलता है तो मैं उसके बारे में नहीं लाता, और जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो शेयर में पहले लाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तो मेजॉरिटी शेयर्स थोड़े बहुत प्रॉफिट में होते हैं, जस्ट उसका निकलने का टाइम जल्दी आता है, कभी टाइम लगता है, अप डाउन करते करते फिर शेयर्स में से निकलने मिल जाता है। ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट भी डाउन ही था, आज का नहीं तो 2 महीने से मार्केट ने बहुत सारा
डाउन दिखाया है, बहुत करेक्ट हुआ था और बहुत सारे शेयर्स भी करेक्ट हुए थे। इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा शेयरों में नहीं हो पाई जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो रोज के दिन में बहुत सारे शेयर्स प्रॉफिट दे सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, आज के दिन में 2 शेयर में प्रॉफिट हुआ था। ऑलरेडी 1 शेयर के बारे में मैंने वीडियो बना लिया है, ये 2रा वीडियो है। और यहाँ पे वो है मनाक्सिया शेयर के बारे में मैंने वीडियो डाला था, पहले स्टॉक टॉक में भी बताया था, उसको लोगों ने पसंद भी किया। फिर बाद में उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी का भी बताया कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और वो जस्ट 2 दिन के अंदर वो शेयर ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया और उसमें से मैं निकल गया। तो ये भी होता है और उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी दे चुका हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरे वीडियोस से, बहुत कुछ समझने मिलेगा, अच्छे अच्छे स्टॉक देखने मिलेंगे, प्रॉफिट करने मिलेगा। तो और यहाँ पे ओनली जेन्युइन चीज़ें पता चलेगी, कोई यहाँ पे लालच और बहुत बड़ी बड़ी लालच दिखाई नहीं जाएगी। जो कुछ है रियलिटी है। और जैसे बड़े इन्वेस्टर्स कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमाते हैं या शॉर्ट टर्म में भी कमाना है, तो जो परसेंटेज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि परसेंटेज लेना है। तो 20-25-30% भी एक शेयर हमको देता है, ऐसे बहुत सारे शेयर देंगे तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे साल भर का मोस्ट ऑफ शेयरों का और बड़े बड़े इन्वेस्टर का CAGR जो होता है 17-18% का होता है, एनुअल CAGR, जो कि कंपाउंडिंग होता है, जिसके ऊपर रिटर्न गिना जाता है कि ये रिटर्न कंपाउंडिंग रिटर्न जो होता है कि उसके हिसाब से उनका एनुअल कितना ग्रोथ हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म में उसका पैसा कितना बनेगा। तो यही चीज़ होती है कि वो 17-18% का पकड़ के चलते, अगर हमको कोई शेयर 1 महीने में 2 महीने में भी 20-25% देता है तो हमारा कंपाउंडिंग जो होता है CAGR तो और अच्छा हो सकता है। तो इस वजह से आपको इतना भी मिल जाए तो अच्छा ही है समझ लेने का, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ सिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, तो करने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो लालच दिखाने वाले बहुत सारे चैनल पड़े हैं तो आप वहीं पर टिके रह सकते हो, आपकी मर्जी होती है बाकी की चीज़ों में। और यहाँ पे जस्ट मैं यही प्रोवाइड करूँगा, कोई लालच यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। जो भी जेन्युइन है, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, वही शेयर के बारे में बताऊँगा। और दूसरे ऐसे बताने के लिए बहुत सारे शेयर्स मार्केट में होते हैं, रोज के रोज मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन जिसमें मैं खुद ना करूँ उसमें बता के क्या फ़ायदा, इसलिए मैं शेयर्स के बारे में नहीं बताता जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता। और लोग यहाँ पे बताने के लिए बैठे रहते हैं कि इसमें लगा दो 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें झूठी इन्फॉर्मेशन देके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फेक इन्फॉर्मेशन से मैं थोड़ा बचता हूँ और लोगों को उसके लिए ये चैनल चालू किया है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, क्योंकि हमारी जनता जो है, पब्लिक जो है, इन्फॉर्मेशन कम होने के वजह से, एजुकेशन कम होने के वजह से, मार्केट का एजुकेशन कम होने के वजह से वो थोड़ा बहुत लालच में आके पैसा बहुत सारा गवा देती है। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बड़े हाई प्राइस पे कोई शेयर लेते हैं और बड़ी क्वांटिटीज़ में लेते, 2,000, 5,000, 10,000 क्वांटिटीज़ उठा लेते एक प्राइस पे। उनको लगता है कि मैंने ये प्राइस पे इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये शेयर यहाँ से भागेगा ही भागेगा। उनको ये नहीं पता कि कल ये 10% भी गिरा तो लॉस कितना होगा, 20% भी गिरा तो लॉस कितना होगा। तो ये वो कभी लॉस का कभी सोचते नहीं है, इस वजह से वो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं और वो प्राइस फिर से रिकवर होने के लिए वो टेंशन में आ जाते हैं, फिर मेरे जैसे चैनल पे वो आके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो अभी से अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको बाद में पछतावा होकर फिर मेरे से रिकमेंडेशन लेने से अच्छा है कि पहले ही सही चीज़ें की इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मर्क्यूरी लैबोरेटरीज, ये भी शेयर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ऐसा क्या सिखाएगा ये शेयर मैं पहले बता देता हूँ। देखो ये BSE पे लिस्टेड है, फार्मास्यूटिकल्स में है, और BSE पे लिस्टेड होने की वजह से आपको एक प्रॉब्लम होता है और एक बेनिफिट होता है कि शेयर का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, ये बेनिफिट है। और शेयर बेचा नहीं जाता जल्दी,
ये एक डिसएडवांटेज है या नुकसान बोला जा सकता है कि जो प्राइस चाहिए, अगर मैं 813 मुझे प्राइस दिख रहा है और मैं इसको सेलिंग ऑर्डर डाल रहा हूँ तो वो शेयर वहाँ पे बिक नहीं रहा है, ठीक है। अगर फिर बाद में ये शेयर 813 से कम आता है, क्योंकि 813 तो हाई हो गया और हाई पे मोस्ट ऑफ लोग कभी कभी नहीं लेते हैं, और जब तक 814 प्राइस नहीं आता, मतलब थोड़ा बढ़ नहीं जाता, तब तक 813 का आपका बाय सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि उधर कोई ना कोई बायर होना चाहिए 813 के लिए लेने के लिए, बट नहीं मिलते, ज़्यादा बायर्स नहीं होते। फिर बाद में मुझे 799 का प्राइस दिखा, तो फिर मैंने 799 का प्राइस पे डाला ऑर्डर मॉडिफाई करके, फिर भी वो शेयर्स नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे 799 पे भी कोई लेने को रेडी नहीं था, उनको 700 की रेंज पे चाहिए थे शेयर्स, बायर्स जो हमको दिखता है मार्केट डेप्थ, जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडिंग ऐप होते हैं वहाँ पर दिखाया जाता है, मार्केट डेप्थ बताते हैं, वहाँ पे बिडिंग कितने पे चल रही है, शेयर्स कितने कौन से भाव पे बाय करने के लिए ऑर्डर्स पड़े हैं और सेल करने के लिए कौन से भाव पे ऑर्डर्स पड़े, तो अगर हमारे ऑर्डर मैच हो जाते तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाते शेयर्स, बाय या सेल जो भी हमने डाला है वो एग्जीक्यूट हो जाते। तो मैंने सेल के लिए डाला था तो 799 पे भी नहीं गया, फिर बाद में वो 784 आ गया, तब तक इतना नीचे आया, क्योंकि 799 से अगर थोड़ा और भी ऊपर जाता तो शायद मेरा वो सेल हो जाता, बट 784 पे आने के बाद उसमें सेल हो गया फाइनली और मैं उस शेयर्स में से निकल गया। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि शेयर्स जल्दी मिलते भी नहीं है और बेचा भी नहीं जा सकता है, तो क्योंकि बायर सेलर बहुत कम होते हैं BSE पे, ये एक प्रॉब्लम होता है। देखो वॉल्यूम ही यहाँ पे देख लो, 800 शेयर का वॉल्यूम है, आप समझ सकते हो कितनी कम शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। 800 शेयर्स की वॉल्यूम है और फिर भी शेयर ने 15-20% का मूवमेंट दिखाया आज के दिन में। और आपको बता दूँ कि देखो ये शेयर में स्ट्रेंथ देख लो, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ देख लो, 14 का स्ट्रेंथ है, 14 पॉइंट्स है इसके अंदर, तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ है इसमें। वीकनेसेस देख लो 4 है, अपॉर्चुनिटी 2 है, थ्रेट 1 है, स्ट्रेंथ वगैरह भी अच्छा नज़र आ रहा है। और एक बता दूँ, ये मैंने चीज़ नहीं बताया आपको कि इसने 52 वीक लो देखो 440 का किया था और 937 का हाई बनाया था। तो हम पूरा इसके पूरे डिटेल जानने के बाद हम जानेंगे कि इसको अभी आगे क्या करना है, तो पहले मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा दूँगा, फिर इसके बाद इसके बारे में और बताऊँगा कि आपको इसको फ्यूचर के लिए क्या कर सकते, बाय करना है सेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये लगभग डबल तो एक साल में हो ही गया था, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, और 14 स्ट्रेंथ है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि किसी कंपनी में आपको 14 स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। तो हाई पाइट्रोस की स्कोर बता रहा है कंपनीज विद द स्ट्रांग फाइनेंशियल्स, कंपनी के बहुत स्ट्रांग है, इतना अच्छा इसके बारे में बताया, ये टॉप पे स्ट्रेंथ बता रहा है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब कंपनी तो डेफिनेटली अच्छी है। और इसमें वीकनेसेस देखो, 4 वीकनेसेस बताया है, 14 स्ट्रेंथ के सामने 4 वीकनेसेस का क्या मतलब है, फिर भी वीकनेसेस देख लो क्या है, तो डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है ये बता रहा है। तो ये हम आगे देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कम है या क्या है, या प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात है, तो मतलब लास्ट क्वार्टर और अभी के क्वार्टर में थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो उतना चल जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में 2 चीज़ें बता रहा है कि इसने R2 तोड़ा है, तो R2 तोड़ने के बाद ये ब्रेकआउट बता रहा है, तो ये R2 R3 मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, बट नए लोगों के लिए मैं फिर से बता दूँ, ये छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, शेयर ऊपर जाता है तो देखो 689 के बाद 707 का है, फिर 725 का है, ये टारगेट जैसे जैसे ये अभी R2 तोड़ दिया है इसने, और ये 700 R3 भी आज के दिन ही तोड़ दिया है, आपको देखना होगा तो देख लो, ये आज 813 जा चुका है, मतलब तो सारे रिकॉर्ड तो इसने तोड़ ही दिए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है इसके लिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है,
तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं और छोटे ट्रेडर के लिए वो सही है, इंट्राडे करते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो बड़े टारगेट्स लेके चलते 20-25-30% या डबल के टारगेट लेके चलते उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, ये मोस्ट ऑफ कंपनीज़ में दिखाई देता है कि अलग भी कोई नॉन कोर इनकम है उस तरफ इनका ट्रेंड बढ़ रहा है, ये चीज़ बताई जाती है। और देखो ये कंपनी बहुत पुरानी है, 1965 या हमने देखा था 1962 से है, ठीक है, ये कंपनी 1962 से सीन्स बता रहा है और अभी तक इसका मार्केट कैपिटल 88 करोड़ है, अभी तक 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। तो इसके पीछे का हम सारी चीज़ें देख लेंगे क्यों इतना कम है इसका मार्केट कैपिटल इतनी पुरानी कंपनी होते हुए भी। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करने के लिए ही तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो लाया हूँ, ठीक है। डिविडेंड 0.5% देती है, चलो कुछ ना कुछ देती है बट प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट रही है तो ये भी अच्छा होता है। पीबी थोड़ा महंगा है, लोन वोन का चक्कर भी हो सकता है तो इस वजह से पीबी महंगा होता है। फेस वैल्यू 10 का है, पी रेशियो देखो 18 का है, पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, ज़्यादा भी अट्रैक्टिव ज़्यादा सस्ता नहीं है तो पी थोड़ा सा महंगा है, बट ज़्यादा महंगा नहीं, मीडियम रेंज में आप उसको पकड़ के चल सकते हो। और सेक्टर पी से थोड़ा सस्ता है तो सेक्टर पी से सस्ता होना भी अच्छा होता है। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं, पहले इसका एक महीने का चार्ट देखते हैं। चार्ट देखो कैसे बीएससी पे होने की वजह से इसका देखो अप एंड डाउन बहुत होते हैं, ये शेयर्स एकदम गैप भी छोड़ते हैं, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन होती है, एकदम झटके में ऊपर जाते हैं, तो ये ट्रेडर के लिए अच्छे शेयर्स होते हैं बीएससी पे लिस्टेड शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे 3 महीने का भी देख लो चार्ट, 3 महीने के अंदर कैसा है ये कंपनी का चार्ट, तो यहाँ पे 3 महीने का चार्ट में दिखा देता हूँ। देखो 3 महीने में भी किस टाइप का एकदम सिंगल सिंगल लाइन टाइप दिख रहा है, तो इस टाइप का इसका चार्ट है और ज़्यादा वॉल्यूम ना होने की वजह से इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीने का चार्ट देख लो, 2 रुपये का एक बार 20 सितंबर को इसने डिविडेंड दिया पर शेयर, और यहाँ पे रेंज देखो एक ही रेंज में एक कब से था बहुत टाइम से 6 महीने से, फिर यहाँ पे एक डाउन आया, यहाँ पे एक डाउन आया, फिर बाद में अप गया, तो ये इतना बड़ा अप दिखा दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे एक 1 ईयर का रिटर्न देख लो इसका, तो 1 ईयर का रिटर्न लगभग देख लो 2 बार डिविडेंड दे चुका है, एक बार 1.5 रुपये, एक बार 2 रुपया, 3.5 रुपये तो डिविडेंड दे चुका है, तो अच्छा है, 1 साल के अंदर डबल डिविडेंड मिला, जितने शेयर्स उतना डिविडेंड आपको मिल सकता है। तो 1 साल के अंदर भी देख लो जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है ये कंपनी का, मैंने जैसे बताया था कि ये 400 से 400 साढ़े 400 जो प्राइस था, मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो इसका जो लो था 470 का जो लो था वहाँ से ये इसने अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर है, बट इसने 900 के ऊपर भी 936 या 37 ये जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये 937 ये 28 अप्रैल को ही गया है ये, ठीक है। तो कुछ ही महीने के अंदर इसने अच्छा खासा मोमेंट दिखा के अच्छा प्रॉफिट दिया था, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन साइड आया और आज ये थोड़ा अच्छा खासा अपसाइड आया। और 5 साल का अगर इसका चार्ट देखेंगे हम, तो 5 साल में देखो कंपनी का मूवमेंट कैसा है, 440 का ये शेयर है, वहाँ से 5 साल पहले फिर ये डाउन साइड आता है, फिर वहाँ से 231 तक आता है ये 19 तक, फिर 231 से या 212 का लो यहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ से फिर स्पीड में ये भागता है और 937 का ही हाई बनाता है 200 से। और मैक्स में अगर इसका देखेंगे तो देखो मैक्स इसका ज़्यादा नहीं बता रहा है, क्योंकि ये शेयर ही कंपनी में शेयर मार्केट में ये जस्ट आई हुई कंपनी है, तो ये 34-32 का लो था इसका जब शेयर मार्केट में आई, ठीक है।
तो 2015 को आई और 32 का शेयर आज 900 तक जा चुका था। तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। ये 32 का शेयर 900 हो जाता है, मतलब इसको मल्टी बैगर ही बोला जाता है। और ये कंपनी ने इसका काम दिखा दिया, इसका परफॉर्मेंस दिखा दिया। तो अच्छी खासी पहले से कंपनी थी और जो इन्वेस्टर रहे, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, और जो अभी तक होल्ड करके रखे रहेंगे उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। बीच में 400 के 500 तक गया था, फिर बाद में 200 के रेंज में फिर से आया था, फिर से फिर 200 से फिर 900 तक गया था। तो ये होता है शेयर मार्केट में, और अच्छे शेयर्स को, अच्छी कंपनी को होल्ड करने से अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। तो चार्ट वाइज ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया यही दिख रहा है, और बीएससी, ओनली बीएससी पे लिस्टेड है, इस वजह से अच्छा खासा इसमें मोमेंटम आया हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ भी है, ये भी हम देख लेते हैं। अगस्त का न्यूज़ है इसका, जून का जो नेट सेल्स है वो बड़ा है, 15.5 करोड़ हुआ है और 16% से बड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर ये अच्छा खासा सेल बढ़ा हुआ है, ये एक न्यूज़ है और जून का डेटा है वो। तो इस वजह से और भी डेटा आना बाकी है, उसका अपडेट होना यहाँ पे बाकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका प्राइस परफॉर्मेंस। तो प्राइस परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्राइस परफॉर्मेंस। वन वीक का देख लो 10%, और एक महीने का देख लो 18%, तीन महीने का देख लो 5.89%, और YTD देख लो 45.65%, ठीक है। और यहाँ पे एक साल का रिटर्न देख लो 56%, और तीन साल का रिटर्न लगभग 100% तक है। मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सबको इसने रिटर्न दे चुका है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने कि सबको खुश रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू देखो, तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 48 से 51, 55, 57, 68, अच्छा खासा रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। सेम प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती जा रही है। 5 करोड़ का अभी का प्रॉफिट है, 2 करोड़ से 5 करोड़ की कंपनी हो गई है प्रॉफिटेबिलिटी में। और कंपनी का ये प्रमोटर्स का देख लो, प्रमोटर्स अच्छे खासे होल्डिंग है इसमें, सबसे ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है, 73% से ज़्यादा है, और यहाँ पे 26% से ज़्यादा पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही इसके शेयर है, और बाकी किसी के पास इसके शेयर्स नहीं है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पब्लिक और प्रमोटर ये दोनों के पास ही है। तो यहाँ पे पब्लिक को ज़्यादा भरोसा है, जो भी प्रॉफिट होगा पब्लिक को होगा और प्रमोटर को होगा। तो ये कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आता है, क्योंकि मार्केट कैपिटल कम है, प्रोडक्ट रेंज अच्छी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और सभी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं इनके, अदर कंट्रीज़ में भी चलता है, माल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी बहुत है, कंपनी जस्ट 2015 में ये मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से इसका जो मार्केट कैपिटल है कम है, और ओनली बीएससी पे लिस्टेड होने की वजह से इस पे ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं आते। अगर एनएससी पे होता तो शायद इसका मार्केट कैपिटल बहुत तेज़ी से और बढ़ जाता, क्योंकि बाइंग सेलिंग नहीं होते मार्केट में, ऑलरेडी कम शेयर्स है जो पब्लिक के पास है, और पब्लिक और प्रमोटर्स जब बेचेंगे तभी शेयर में मूवमेंट आएगा। तो पब्लिक कभी बेचती है, कभी बाय करती है, बाय के लिए ऑर्डर्स आते हैं, तो इसके ऊपर ही ये डिमांड सप्लाई पे ही शेयर्स का बढ़ना और गिरना तय होता है। तो ये शेयर इसी वजह से अभी भी, लेकिन फिर भी इसका प्राइस अच्छा है, 741 का प्राइस है, तो 700 का भाव है कंपनी का, और मार्केट कैपिटल कम है फिर भी भाव बहुत अच्छा है, ठीक है। महंगा भी दिखता है महंगा, बट यहाँ से इसमें स्कोप भी बहुत नज़र आता है ये कंपनी में, और मुझे तो लग रहा है ये कंपनी में सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है, मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव है। और 937 का इसका हाई है, तो हाई से ये लगभग अभी भी 25%
तक ये डाउन में है, तो अभी भी ये कंपनी में अपॉर्चुनिटी बची हुई है। आज नहीं तो कल ये जो उसका हाई है उसको तोड़ना है उसको, और वो तोड़ के और आगे नए टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लग रहा है इसमें अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बाई करके चल सकते हैं। बट फिलहाल मैं निकला हूँ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और मेरे पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे मैं ऑलरेडी चार चार पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, जिसमें से मेरे को बहुत सारे शेयर्स को मैनेज करना पड़ता है और कुछ ना कुछ शेयर जो प्रॉफिट दे रहे हो उसको मेरे को निकालना पड़ता है, और नए शेयर्स बाद में फिर से जब पोर्टफोलियो थोड़ा कम हो जाता है तो फिर मेरे को और नए नए ऐड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ये प्रोसेस होता है और उसी के वजह से और ये सारी चीज़ें जो भी मैं शेयर्स ऐड करता हूँ, जो भी लेता हूँ, सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, और जो भी सेल करता हूँ वो भी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। उसको भी आप चाहिए तो ज्वाइन करके रखो, और मोस्ट ऑफ सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और जो खुद इन्वेस्ट करता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ, जो नहीं इन्वेस्ट करता उसके बारे में बात करने का मुझे कोई मतलब नहीं नज़र आता, इस वजह से मैं वो वैसे शेयर्स के बारे में कभी बात नहीं करता। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो करो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लाइफ टाइम जब तक मैं मार्केट में और ऑलरेडी मुझे पसंद है मार्केट में रहना, मार्केट में खेलना, तो वो चीज़ें मैं हमेशा करते रहूँगा, और आप तब तक आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है स्विंग ट्रेडिंग का है और सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस है, तो 8-9 साल का अच्छा खासा मार्केट में बिताने के बाद ये अच्छी खासी स्ट्रैटर्जी हाथ में आने के बाद प्रॉफिटेबल स्ट्रैटर्जी मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसमें सच में पैसा बनता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपको भी चाहिए तो आप ट्राई करके देख लो, या फिर आप जहाँ पे पहले से लालच के चक्कर में जहाँ पर ट्राई कर रहे थे पहले वहाँ से सीख लो, नहीं कुछ सीखने मिला तो ये चैनल पे तो ज़रूर यहाँ से कमाई होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। सारे आप मेरे वीडियो देख सकते हो, और बहुत सारे वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाए ताकि क्योंकि मैं पहले वीडियोस नहीं बनाता था, उससे पहले से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मोस्ट बहुत सारे शेयर में मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, लगभग 400-500 शेयर्स ऐसे होंगे जिसमें मैंने प्रॉफिट किया होगा लाइफ टाइम में, तो बहुत सारे शेयर्स है और वो रिपीट भी होते हैं, और अच्छे खासे शेयर्स में फिर से मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ, और अभी मैं आपके लिए वो हर एक शेयर के बारे में वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।